नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर विश्राम के लिए पहुंच चुके हैं। जगदीशपुरी मानोरा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में करीब 2 लाख श्रद्धालु पहुंचे। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा मौसी के घर विश्राम करने के बाद पुनः जगन्नाथ मंदिर रवाना होंगे। मानोरा में 3 दिन तक चलने वाले मेले में हजारों लोग दर्शन करने के लिए अभी भी पहुँच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए रुकने की और 2500 लोगों के जगदीश मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खाने की व्यवस्था की गई है और ये पिछले साल 1500 लोगों की थी, इस साल 2500 लोगों की खाने की व्यवस्था की गई है। और उसमें कर्मचारी जो आते हैं, ड्यूटी की व्यवस्था नहीं होती उन लोगों को, उसमें सभी लोग अलाउ रहते हैं। और हमारा, मैं तो अभी 20 दिन पहले ही अध्यक्ष बना हूँ, तो मेरे बुजुर्गों ने मेरे को बताया कि इस तरीके से व्यवस्थाएँ होती हैं। और ये हमारा मेला 187 साल पुराना चला आ रहा है। जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, बरसात की वजह से कुछ परेशानी रही और व्यवस्थाओं में तो अभी बहुत काम होना बाकी है। एक तो यहाँ पे रिंग रोड होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो भी दर्शनार्थी आते हैं तो वो आके मंदिर के भीड़ ना लगे और वो आते जाते बने रहें, ये बहुत आवश्यक है। विजय विद्रोही के साथ शुभम मिश्रा की रिपोर्ट।